नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ एक्स में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीचे के बाल काटने से होते हैं हमारे शरीर पर ये 9 बड़े नुकसान, आप भी जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी इनेबल जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन सर के बाल जितनी तेजी से बढ़ते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों के बाल उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। इसकी वजह है जीन। हमारे शरीर के बाल शायद इसीलिए होते हैं कि वे हमें सर्दी से बचाते हैं। इंसान के पास जब आज की तरह रहने के लिए मकान नहीं होते थे, तब इंसान जंगलों के अंदर ही रहता था और इन जंगलों के अंदर पड़ने वाली सर्दी से बचने के लिए इंसान के बाल ही उसकी सहायता करते थे। आपको पता ही होगा कि जो जीव सर्दी के अंदर रहते हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं, यह घने बाल ही उनकी सर्दी से रक्षा करते हैं। हालांकि दोस्तों, लोग नीचे के बालों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लोग इससे शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं और पुरुष नीचे के बालों को संवारते हैं ताकि त्वचा को साफ सुथरा किया जा सके। JAMA डर्मेटोलॉजी के अध्ययन के अंदर यह पाया गया कि महिलाओं को नीचे के बालों को संवारना और काटना पसंद होता है, लेकिन इसमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस मामले के अंदर काफी असहज होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नीचे के बाल काटने के नुकसान होते हैं? नीचे के बालों के अपने फायदे होते हैं। हालांकि दोस्तों, अधिक लंबे बाल असुविधाजनक होते हैं और इन बालों की वजह से नीचे के हिस्से अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस वजह से अधिकतर लोग नीचे शेव करना पसंद करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीचे के बाल के अपने फायदे होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर नीचे के बालों को यौन परिपक्वता से जोड़कर देखा जाता था और यह शरीर को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो नीचे के बाल हटाना अब काफी लोकप्रिय हो चुका है। बाल हटाने वाली क्रीम बनाने वाली कंपनियां मिलियन डॉलर के अंदर बिजनेस कर रही हैं। अमेरिका में 25 से 40 वर्षीय लोगों के एक अध्ययन में यह पाया गया कि 96% महिलाएं और 87% पुरुषों ने एक महीने के अंदर नीचे के बाल हटाए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नीचे के बाल काटने के क्या नुकसान है। नंबर एक, यीस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, यीस्ट इन्फेक्शन के लिए नीचे के बाल एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। बिना बाल की वजह से खुजली हो सकती है, आपके बाल नमी को रोकने में मदद करते हैं और जिससे यीस्ट इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। नंबर दो, फेरोमोन की अधिकता। दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कई जानवर फेरोमोन का स्त्राव करते हैं या जो कि प्रकृति के संभावित साथी को आकर्षित करते हैं। जब आप नीचे के बाल काट लेते हैं तो फेरोमोन अधिक होते हैं। यह गंध सोखती नहीं है और आपके बाल फेरोमोन की गंध को कम करने का काम भी करते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि नीचे की बदबू को कम करने के लिए यह बाल आपके लिए उपयोगी है। नंबर तीन, त्वचा में जलन। दोस्तों, आपके नीचे के बाल हटाने से त्वचा के अंदर जलन पैदा हो जाती है क्योंकि नीचे की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। यही वजह है कि नीचे के बाल आपके शरीर के अन्य बालों की तुलना में मोटे होते हैं, जो सुरक्षा तमक भी है। त्वचा की जलन के अंदर कटौती करने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप सारे बालों की एक बार में शेव ना करें, यानी कि आपको आधे आधे करके बाल काटने चाहिए या फिर पूरे बाल ना काटें। नंबर चार, अधिक पसीना। दोस्तों, आमतौर पर नीचे के बाल काटने का नुकसान यह है कि बाल नहीं होने से अधिक पसीना आता है और जिससे हो सकता है आपको शर्मिंदगी भी महसूस हो। नीचे के बाल पसीने को सोखने का काम करते हैं जिससे त्वचा शुष्क बनी रहती है, जो कि आवश्यक है। वैसे पसीने को सुखाने का यह नेचुरल तरीका है। नंबर पाँच, त्वचा के रगड़ने से जलन। आमतौर पर नीचे के बाल काटने का नुकसान यह भी है कि आपकी नीचे की त्वचा जब रगड़ती है तो वहाँ जलन हो सकती है। आपके बाल आपकी त्वचा को रगड़ने से बचाते हैं।
आप जब काम करते हैं या फिर चलते हैं तो पैरों के पास की त्वचा और आपके गुप्त अंग की त्वचा आपस में रगड़ती है तो इससे दर्द होता है। आपके बाल इस समस्या से छुटकारा पाने का अच्छा उपाय है। नंबर 6, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आपको बता दें कि नीचे के बाल आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं जो कि शुक्राणुओं के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, बाल फॉलिक्यूल पर एक वसा में ग्रंथि होती है जो कि एक तेलीय पदार्थ को पैदा करती है जो कि बालों पर बिखर जाता है और जब यह वाष्पित होता है तो नीचे की त्वचा ठंडी हो जाती है। नंबर 7, पेपिलोमा वायरस का खतरा। यदि आप नीचे के बाल काट लेते हैं तो इससे आपको पेपिलोमा वायरस का खतरा अधिक पैदा हो सकता है। यह तब होता है जब आप किसी महिला के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस आपके अंगों पर आ जाता है। आपके नीचे के बाल त्वचा को त्वचा संपर्क होने से बचाते हैं जिससे यह वायरस नहीं फैलता है। यह वायरस दर्द, बेचैनी और खुजली पैदा कर सकता है। नंबर 8, नीचे के बाल हटाने से हो सकते हैं फोड़े। अनेक वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर यह बात साफ हो चुकी है कि नीचे के बाल आपको फोड़ों से बचाते हैं। बाल साफ करने के बाद यहाँ के छिद्र खुल जाते हैं और इससे किसी भी प्रकार का संक्रमण पैदा हो जाता है जिससे नीचे फोड़े हो सकते हैं। यह समस्या खासकर गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों के अंदर अधिक होती है। नंबर 9, प्रेगनेंसी में उपयोगी। रिसर्च के अंदर यह भी माना गया है कि नीचे के बाल महिलाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इससे महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं। इसके अलावा यदि बात करें पुरुषों की तो इनकी वजह से पुरुषों की मर्दानगी बनी रहती है। नीचे के बाल तापमान को नियंत्रित करते हैं और सही तापमान के बिना शुक्राणु का जिंदा रहना काफी कठिन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नीचे के बाल काटने के फायदे क्या है। दोस्तों, नीचे के बाल काटने के नुकसान भी हैं तो इसके फायदे भी हैं। दरअसल जब नीचे के बाल काफी बड़े हो जाते हैं तो समस्या खड़ी करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनको काटना ही सही रहता है। तो आइए जान लेते हैं नीचे के बाल काटने के फायदों के बारे में भी। साफ सफाई। जब नीचे बाल होते हैं तो साफ सफाई की समस्या रहती है। नीचे पसीना आने की वजह से काफी गंदगी जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत से लोग साफ सफाई नहीं करते हैं जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि आप बाल काट लेते हैं तो आसानी से सफाई भी की जा सकती है। सुंदरता। दोस्तों, आमतौर पर नीचे की सुंदरता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब लोग अपने साथी के साथ होते हैं तो वही सुंदरता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सी महिलाएं इस वजह से भी नीचे के बाल काट लेती हैं क्योंकि उनको नीचे की सुंदरता भी चाहिए होती है। पीरियड सफाई में आसानी। एक महिला जब पीरियड के अंदर होती है तो उसके लिए नीचे की सफाई करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। यदि नीचे के बाल उसने नहीं काटे हैं तो सफाई करना काफी कठिन काम होता है। सो ऐसी स्थिति के अंदर नीचे के बाल काट लेना ही फायदेमंद होता है। खुजली जैसी समस्याओं से छुटकारा। दोस्तों, नीचे के बाल यदि काफी बड़े हो जाते हैं तो वे खुजली पैदा करते हैं जिसमें काफी समस्या होती है और इसका एकमात्र हल यही होता है कि नीचे के बाल को काट दिया जाए। खासकर उन लोगों को खुजली की समस्या अधिक होती है जो गर्मी में काम करते हैं। नीचे के बाल काटना सही है या गलत। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि नीचे के बाल काटना क्या वास्तव में सही है, लेकिन सच तो यह है कि नीचे के बालों को सही तरीके से काटना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पूरे नीचे के बालों को उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप नीचे के बाल काट रहे हैं तो आपको पूरे बाल ना काट कर उनको ऊपर ऊपर से काट देना चाहिए जिससे नुकसान भी नहीं होगा और आपको इससे समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह से आप सर के बाल कटवाते हैं, मतलब पूरे बाल नहीं कटवाते, उसी तरह से नीचे के बालों के साथ भी किया जाना चाहिए। यानी कि आपको नीचे के बाल भी ट्रिम करने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। नीचे के बालों को बिल्कुल ना काटना भी एक गंभीर समस्या का कारण बन सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर कई बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारी जरा सी लापरवाही हमारे लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको इन बातों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। अगर आप भी सही तरीके से नीचे के बालों को काटेंगे तो आप इनसे होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं और फायदे प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताया नीचे के बाल काटने के नुकसान और फायदे। दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में बताई जानकारी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर कम से कम आपका एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बेहद मायने रखता है। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।